एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। अब बात करते हैं कि जो एसी सर्किट है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट का कैपिटल आर लेना ही नहीं है, किसी वायर का नहीं, कैपेसिटर की प्लेट्स का मटेरियल की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैंने कैपेसिटर लिया और मैंने ई कितना अप्लाई किया, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें करंट पास होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो करंट पास होगा क्योंकि कांस्टेंट करंट डीसी ब्लॉक कर लेता है, कैपेसिटर ब्लॉक करता है, चेंजिंग करंट तो पास करने देगा। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट कितना पास होगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहला पॉइंट, इसमें जब ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी करूँगा तो किसी भी इंस्टेंट पर ये चार्ज हो जाएगा प्लस माइनस। चार्ज मान लो इस किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यों है, क्योंकि ई चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज कितनी है, क्यू बाई सी। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ इसमें वोल्टेज अगर प्लस से माइनस, माइनस क्यू बाई सी है, और नीचे कितनी है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो इसका सम क्या आना चाहिए, जीरो है ना। तो टोटल वोल्टेज का सम इक्वल टू जीरो इन अ लूप लॉ। तो पहला स्टेप ये लिखो, फिर अगला स्टेप ये लिखो, क्योंकि क्यू बाई सी राइट पे जाएगा तो ये टर्म आएगी। अगला स्टेप ये लिखो, पहला वो लिखो, अगला ये लिखो। ठीक है, तो अगला स्टेप देखो, ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज आ गया, इंस्टेंटेनियस चार्ज आ गया, जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज। अब आगे करंट क्या होगा इंस्टेंटेनियस कैपेसिटर में, डी क्यू बाई डी टी। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, सी ई नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी के डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई। ई एम एफ साइन में चल रही थी, करंट प्लस कॉस में चल रहा है, नेगेटिव तो आया नहीं, प्लस कॉस है। ग्राफ ई एम एफ ये रही, कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से, तो करंट ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे से नहीं होगा। इंडक्टर में नीचे से था, कैपेसिटर में ऊपर से है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसकी फोटो देगा बना के पेपर में, वो कहेगा बताओ इसको देखते हुए, अगर ये ई एम एफ है, ये करंट है, बोलो ये इंडक्टर की कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कॉस होता है, माइनस कॉस नहीं होता, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, फिर क्योंकि ये कॉस में आया हुआ है, हम चाहते हैं कि ये भी साइन में आ जाए, तो एक काम करते हैं, ई नॉट ऊपर रखते हैं, सी ओमेगा को इसके नीचे लेके चलते हैं, तो क्या आएगा, वन बाय सी ओमेगा। तो ये पूरे कोफिशेंट को क्या नाम दे दिया, आई नॉट। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दो तरीके हैं, या तो 90 प्लस थीटा कर लो या 90 माइनस थीटा कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं है। मैं इसमें प्लस करूँगा तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्योंकि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप जरा बॉक्स में डालें, तो करंट की जो वैल्यू आई वो इसके इक्वल आई। हमने ईएमएफ अप्लाई की ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और हमारे पास जो करंट आया वो आया आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो करंट का फेज़ है वो ईएमएफ के फेज पे पाई बाय टू आगे है, यानी कि करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, और ईएमएफ लैग्स पीछे है करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, एक ही बात है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो प्रूव करने को आएगा, प्रूव दैट इन अ कैपेसिटर
जब आप इसमें करंट पास करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, तो प्रूव करें कि करंट लीड करता है ईएमएफ से बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, ये पूरा लिखना है आपने, और साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। डायग्राम कौन से ड्रॉ करने हैं, ये वाला भी ड्रॉ करना है। देखो ये ईएमएफ है, ईएमएफ का एंगल किसी भी इंस्टेंट पर कितना है, ओमेगा टी। करंट ये देखो आगे है, करंट का एंगल इस वेक्टर से आगे है बाय एंगल ऑफ 90। ठीक है, तो दोनों डायग्राम क्लियर है। अब लास्ट है इसमें, क्योंकि करंट हमने क्या लिया, आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय सी ओमेगा, तो ई नॉट क्या है, आई नॉट इंटू 1 बाय सी ओमेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें, ईएमएफ ईएमएफ इज करंट इंटू समथिंग, ऑब्वियसली वो समथिंग क्या होगी, रेजिस्टेंस। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, पर ये रेजिस्टेंस होने का रीजन मटेरियल नहीं है कैपिटल आर, ये होने का रीजन क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स में हो क्या रहा है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, हर वक्त आप चेंज कर रहे हो। अगर फ्रीक्वेंसी 50 है ईएमएफ की, एक सेकंड में 50 बार चार्ज चेंज हो रहा है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन कब इधर जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है वायर में, फिर इधर देखो अपोज करेगा, चेंज ऑफ चार्ज वो अपोज करेगा। तो ये अपोजिशन कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से है, क्योंकि आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उसकी मोशन चेंज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, वो करने नहीं दे रहा, तो वो अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, और दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर। तो अब फिर नाम से फिर कंफ्यूजन है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, हम सोचते हैं आर होगा, सिंबल चेंज करो, इस सिंबल को रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एक्स सी, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय सी ओमेगा। और आज के बाद इसको ये नहीं बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, आज के बाद इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस कैपेसिटिव होती, ये रेजिस्टेंस ही है, यूनिट्स इसके ओम ही है। तो इसका मतलब अब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, एक आर हो गया, एक एल हो गया और एक सी हो गया। इसकी रेजिस्टेंस को तो आर ही बोलते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस को एक्स सी से करते हैं, तीनों का सिंबल ही चेंज करती है, अब कन्फ्यूजन ही नहीं है। इंडक्टर के केस में बोलेंगे ही एक्स एल, आर बोलेंगे ही नहीं, कैपेसिटर के केस में एक्स सी बोलेंगे, आर बोलेंगे ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अब वो कह रहे हैं कि चलो एक स्पेशल केस है, अगर मैंने डीसी करंट पास कर दिया फिर, तो डीसी करंट में ओमेगा क्या होता है, जीरो होता ही नहीं, वन बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, तो रेजिस्टेंस क्या आ गई, इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि करंट इसमें से पास होगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर, तो करंट को पास नहीं करने देगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो याद है मैंने बताया था डीसी करंट पास नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, मैथमेटिकल प्रूफ भी आ गया इसमें। ठीक है यहाँ तक? तो ये टॉपिक सबको क्लियर है।